Assalamualaikum, welcome back to FIPS. I'm to be your multitasking partner. कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे. जी, आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, आप सब के लिए, वो लोग जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट और ब्राउज़र की स्लो स्पीड से परेशान हैं. आजकल इतने ज़्यादा अनलिमिटेड ब्राउज़र्स आ गए हैं, बट आपको नहीं पता कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा. आई होप आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ब्राउज़र्स की सिलेक्शन में. अपडेटेड 2022 में कौन से ब्राउजर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं आपके लिए. सो कीप वॉचिंग टिल एंड, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी हर लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो आप तक पहुँचे. स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. जैसा कि आप मेरी विंडो पे देख रहे हैं, बहुत सारे ब्राउजर्स की लिस्ट है. यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको लेफ्ट राइट बहुत सारे ब्राउजर्स दिखेंगे, बट जो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको उनका थोड़ा सा ओवरव्यू देते चलूँ. क्रोम से जैसे हर कोई सबको नाउ हाउ है क्रोम का कैसे यूज़ करने हैं. इसके अलावा आप डिफरेंट जो हैं क्रोम्स की एक्सटेंशंस क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने बहुत सारी अपनी क्रोम की एक्सटेंशंस क्रिएट की हैं. जो स्टूडेंट्स हैं वो मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल आर्टिकल्स होते हैं, वो अपने कुकीज़ बना के या बुक मार्क बना के वो डिफरेंट क्रोम्स पे सेव कर सकते हैं. आपको बार बार जो है वो अलग से ब्राउज करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर देखिए जी, मैंने अपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट्स हैं उनको बुक मार्क करके सेव कर दिया है, और इन अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट कुकीज यहाँ पे ये अपीयर हो जाता है. सो ये क्रोम की बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी होपफुली. बट इसके अलावा जो सेकंड वन है अवास्ट, ये बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल है. लाइक इसमें बहुत से ऑप्शन हैं. आपके बच्चे, आप कोई भी, आपको एड्स इरिटेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे कोई वीडियोज देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऐड को जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, अनपॉज कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे ऐड ब्लॉकर की फीचर मौजूद है इस ब्राउजर में आवाज में. दैट इज रियली रियली वेरी गुड, जो जिनको एड्स बहुत इरिटेट करते हैं. द सेकेंड वन इज सॉरी द थर्ड वन इज जो है वो हमारा है ब्रेव. और आप ब्रेव के फीचर्स भी देख लीजिए, सेम वही है कि अगर आप यूट्यूब देखना चाहते हैं तो ब्रेव में भी ये फीचर मौजूद है कि आप यूट्यूब पे हैं और आप एड्स को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो ये देखिए, आप अगर यहाँ से इसको ऑफ कर दें तो कोई भी सॉरी ये एड ब्लॉक की एक्टिविटी को ऑन कर दें तो कोई भी ऐड आप जो यूट्यूब पे वीडियो, ड्रामा, सीरियल है, कुछ भी मूवी देखना चाह रहे हैं, सॉन्ग्स व्हाटएवर, नाते सुनना चाह रहे हैं, तो ऐड नहीं चलेंगे और आप कंटिन्यूसली इस ब्राउजर पे आप देख सकते हैं सॉन्ग्स, एवरीथिंग, नाते, जो भी आप सुनना चाहें विदाउट एड्स. ठीक है, ये आप अपने एंड्रॉयड लैपटॉप और एंड्रॉयड सेलफोन सब में आप ये डाउनलोड कर सकते हैं ब्राउजर्स, और इजीली आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं. अच्छा जी, जल्दी जल्दी चलते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी. ये जो आपके पास मैं नेक्स्ट आपको ब्राउजर दिखा रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा लाइट है. अच्छा जी, जो हमारे पास यहाँ पे है क्रोमियम है, ये क्रोमियम सॉफ्टवेयर, ये सॉरी ब्राउज़र है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. लाइट है ये बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है आपके ब्राउज़र में जो है वो लाइक आपके लैपटॉप में इतनी ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा. तो इसके भी फीचर्स है बहुत ईजी, क्रोम की तरह ही है. आप हिस्ट्री को ईजीली सर्च कर सकते हैं, आपकी सारी हिस्ट्री विजिबल है. देन आप क्रोम के साथ सेन के साथ ही क्रोमियम है, ये रिजेंबल करते हैं क्रोम से, सेम उसी तरह ही इसके फीचर्स हैं. आपको कीज बना सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी जो फेवरेट वेबसाइट्स हैं उनको बुक मार्क कर सकते हैं. अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है. मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपना यूट्यूब के लिए, और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इस पर फीचर हैं. आप इसमें ट्रैकिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक डिफरेंट जो हैं वो फीचर्स गिवन हैं. आप फेवरेटीज यहाँ पे बना सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और आप इसकी भी एक्सटेंशन ओपन कर सकते हैं. अगर इसकी आप सेटिंग्स चेक करें तो आप डिफरेंट ऐप्स और बहुत सारे फीचर्स इसके अवेलेबल हैं.
आप ओपेरा से तो आपको ना हो होगी, बट आप यहाँ पे अगर देखें तो इसी की ही एक और फॉर्म है, ओपेरा GX। अच्छा जी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है। लिटरली आप यूज़ करेंगे इसको तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल इसमें ऑप्शंस हैं। आपका स्टक नहीं होता ड्यूरिंग योर वर्क, आपका ऐसा नहीं है कि बीच में स्टक हो जाए, स्लो हो जाए। बहुत ही अच्छी इसकी स्पीड है। इसके ये ऑलरेडी बिल्ट इन जो है वो कुछ फीचर्स ऑलरेडी ऐड है। इसके अलावा आप अपनी फेवरेट साइट्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी साइट आप ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका यहाँ पे आपने URL एड्रेस बार जो भी है URL उसका देना है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये स्मॉल कुकीज जो है वो अपेयर हो जाएंगी। ठीक है जी, इसके बाद विवाल्डी है। विवाल्डी के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप यहाँ पे बॉटम में टॉप, आप जहाँ पे भी आप सेटिंग करना चाहें आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके भी ऑलरेडी ये फीचर्स हैं। अच्छा, ये ऑटो ये एक बड़ी ही अच्छी वेबसाइट है। मैं इसके बारे में आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। शॉपिंग के लिए बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो इन माय अपकमिंग वीडियो। तो अच्छा जी, ये इसके फीचर्स हैं और आप और भी सेम उस तरह से फीचर्स ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप जाएं तो आप इसके थीम्स चेंज कर सकते हैं और आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइवेसी से रिलेटेड है, थंबनेल साइज आप क्या रखना चाहते हैं, मीडियम स्मॉल टाइनी जो भी ह्यूज, आप बड़ी अच्छी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन अब मूव ऑन करेंगे मैक्सथॉन। मैक्सथॉन तो बड़ा ही अच्छा ब्राउजर है। स्पीड के साथ साथ इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं, ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे। इसके अलावा मैक्सथॉन में आप सेम यहाँ पे डिफरेंट है, आप क्विक नोट, आप अगर अपनी कोई चीज़ें ब्राउज कर रहे हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखिए आप साथ साथ नोट भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट है, आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, आप वीडियोस के क्लिप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट फैमिली स्टाइल्स हैं, आप कुछ भी लिखिए यहाँ पे, कुछ भी वट एवर यहाँ पे। आपको मैक्सटोन का ये फीचर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है। ये देखिए जी, साइज बढ़ाइए, कुछ भी करिए, इस वर्ड पे आप जैसे आप कुछ भी देख रहे हैं, कोई चीज़ भी सर्च कर रहे हैं, आर्टिकल है और आपने छोटे छोटे पॉइंट्स वहाँ से देख के आपने नोट डाउन करने हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा एक फीचर मैक्सफोन का जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो ये फीचर आप ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये फीचर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देन आप एक्सटेंशन तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं किसी किस्म की भी, चाहे वो एड ब्लॉकर की हो। स्नैप स्क्रीन आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप फुल स्नैप करना चाह रहे हैं स्क्रीन को ड्यूरिंग योर वर्क, ड्यूरिंग योर वीडियो। ये देखिए जी, स्क्रीनशॉट आ गया है। ऑफ करना है अगर इसको स्क्रीन को, तो बटन प्रेस कीजिए जो आपका ESC है स्टार्ट में, इससे आपका बैक हो जाएगा। ओके जी, देन योनडेक्स, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा ब्राउजर है, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अच्छा, आपको ये जो फीचर्स होते हैं एक्सटेंशन ऐड करने का मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, तो आप यहाँ पे हर किसी का डिफरेंट होता है। इसके अलावा और मल्टीपल फीचर्स हैं, आप अगर इनको एक्सप्लोर करें तो आप अपने ब्राउजर पे जो सबसे अच्छी चीज़ है आपकी पर्सनल वेबसाइट्स हैं, तो आप यहाँ पे अपना जो है वो पासवर्ड भी रख सकते हैं। योनडेक्स की आईडी बना के यहाँ पे पासवर्ड मैनेज कर सकते हैं। और देन आपकी यहाँ पे देखिए जी, पेमेंट अकाउंट फैमिली, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। अगर आप इनको डीप डिटेल में एक्सप्लोर करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक ब्राउज़र है। अदर देन यूट्यूब आपको बहुत से फीचर्स इसमें मिलेंगे, आप लोग ज़रूर इसको डीप चेक कीजिएगा। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ उन ब्राउज़र का जिनकी स्पीड अच्छी है, जो बहुत स्टक नहीं होते और आप इजीली जो है वो अपना काम कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स के साथ।
तो अच्छा जी, एक और है जो ब्लिस्क है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत ही अच्छा है। इसका ओवरव्यू कुछ थोड़ा सा इतना अट्रैक्टिव नहीं है, एनिमेटेड नहीं है, ग्राफिकली इतना फ्रेंडली नहीं है, बट यूज़ करने में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप कुछ भी टाइप कीजिए, लाइक कोई वेबसाइट है, आप यूट्यूब भी देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब लेके आइए। इस पे जी यहाँ पे भी सेम आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा है वो है रिकॉर्डिंग का। आप जो है जो भी कर रहे हैं आप वो विंडो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इंटायर स्क्रीन करना चाह रहे हैं या जितनी सी भी आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं, आप वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपने किसी के साथ भी। अच्छा, यहाँ पे जी आप ये देखिए जी, इसका यहाँ पे आप देखें तो ये आपको साइड पैनल, ये देखें साइड पैनल दिखेगा। समटाइम फीचर्स आपको विजिबल नहीं होते, जो आपने बुक मार्क्स बनाई होती हैं, रीडिंग्स लिस्ट बनाई होती है, वो यहाँ पे आप बना सकते हैं। समटाइम आपको, फॉर एग्जांपल मैंने क्रॉम सेंटिन का दिखाया था, तो यहाँ पे आपको बुक मार्क्स दिख रहे थे सब, बट इसका यहाँ पे आप देखें तो ब्लिस की यहाँ पे आपको दिखती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो बुक मार्क्स बनाए हैं, इसके अलावा फर्दर जो भी बनाते जाएंगे वो लिस्ट यहाँ पे क्रिएट होती जाएगी। तो अभी तक जो लेटेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंडली ब्राउज़र थे, उनकी डिटेल्स हिस्ट्री मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आप लोग ज़रूर इनको डीप डिटेल में जाके सर्च कीजिए। हर ब्राउज़र की बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, अगर मैं एक एक पे बात करने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट आप इंडिविजुअली इन सब ब्राउज़र्स को एक्सप्लोर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनको डाउनलोड कीजिए। आप स्टूडेंट्स हैं, आप प्रोफेसर्स हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, आपको अगर एक बहुत अच्छी टिप दूंगी कि अगर आप एक ही ब्राउजर के डिफरेंट एक्सटेंशन बना के उन पर काम करेंगे तो वर्क बहुत ज्यादा आपका स्लो हो जाता है। रेदर देन कि आप मल्टीपल एक्सटेंशंस यूज करें, आप डिफरेंट ब्राउजर डाउनलोड करें और फिर मल्टीपल ब्राउजर्स के साथ काम करें, तो देखिए आपका लैपटॉप बिल्कुल भी उसकी स्पीड डाउन नहीं होगी, ज़्यादा ओवरलोड नहीं होगा और आपका काम भी स्टक नहीं होगा जी। इस सब ब्राउजर को जरूर इंस्टॉल कीजिए, ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी थी। होपफुली आप लोगों ने ज़रूर इंजॉय किया होगा। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।